हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो बहुत सारा प्यार ब्लॉग को देखने के लिए। तो अभी शाम का टाइम में देख सकती है, आकाश पूरा बदल छाया हुआ है और मैं जा रही हूँ लेक्सिकॉन CSB ब्रांच में। मेरा कुछ काम है तो ऑटो में जा रही हूँ। मैं देख सकते हैं लोकेशन है साइट का। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ ये बाबू। तो बहुत ही भीड़ है वहाँ पर CSB ब्रांच में। देख सकते कितना सारा लोग बैठे हुए हैं साइड पर। और इधर बाबू पहुँच गया ना, क्योंकि वो जान पहचान का जगह है, थोड़ा सा भी नहीं डरता है। क्योंकि जो भैया रहता है ना और एक छोटा भाई, वो उसको बहुत प्यार करता है। तो इतना दुष्ट करता है ना, देख सकते वो बाहर जा रहा है, घर के अंदर आ रहा है, ऐसा ही करता है। इतना दुष्ट, मतलब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मतलब किसी को भी डरता नहीं है। उसका अंदर में डर मतलब कुछ भी नहीं है। वो तो एक बच्चा देखा उसके साथ में खेलने के लिए, वो जबरदस्ती, वो बच्चा खेलेगा नहीं उसके साथ, फिर भी उसको उसके साथ खेलना है। तो उसको लेके आने से मैं परेशान हो गई एकदम। देख सकते मेरे को क्या फील हो रहा था, गुस्सा आ रही थी मेरे को। बार बार मैं बाहर से लेके आ रही हूँ तो ऐसा ही करता है वो, मतलब कहीं लेके जाओ वो भी शांति नहीं है। तो अभी दरवाज़ा बंद करके रखा तो डप डप मार रहा है दरवाज़ा। तो फाइनली हम लोग बाहर आ चुके। तो मैं आई हूँ रिचार्ज करने के लिए। मैंने बोला आप लोगों को, तीन दिन से मेरे पास रिचार्ज नहीं है, मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो वाईफाई से मैं कर रही हूँ हस्बैंड का। तो मैंने रिचार्ज किया फाइनली यहाँ से। मैं तो ऑनलाइन ही करती हूँ मोबाइल से, लेकिन नहीं हो पा रहा है, पैसा ही नहीं है इसलिए। तो अभी मैं सामने एक मंदिर, पहले भी दिखाया लेकिन रात का दिखे, कितना सुंदर है ये काली मंदिर है, बहुत ही मतलब सुंदर सा ये, बहुत महंगा भी है। तो फाइनली मैं घर अभी जा रही हूँ। तो अंधेरा है, देख सकते हैं बाहर, मतलब थोड़ा बहुत लाइट वगैरह है। बाबू को लेके पैदल पैदल, तो एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में बच्चा, वही रूटीन होता है हमारा। तो देखिए हम लोग के घर में कौन आई है, एक क्यूट सा परी, मेरा ओपम का बहन। तो मुझे बहुत ही क्यूट, मतलब बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि लड़की मुझे बहुत ही पसंद है तो उसको मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। तो देख सकते पूजा भी है, रोहित भी है। तो पूजा मोबाइल देख रही है और रोहित, उसको ना रोहित की गोदी में जाना है। ओ उसको मतलब जो मोना है उसको भी जाना है, बाबू को भी जाना है, एक साथ में दो जन। देखो क्या हालत रोहित भाई का। सा एक साथ में ऐसे, तो रोहित भाई इतना पतला है, ऊपर से दो 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 उसको वो कर दिया। और सिस्टर आप लोगों को हाई बोल रही है। तो दोनों बच्चा साथ में खेल रही है, लेकिन पूरा लगता है, पता है आप लोगों को, वो जो मोना है ना छोटी सी, तो वो बाबू को पूरा नोज दिया है बहुत बार, क्योंकि वो समझता नहीं है ना, छोटी है ना बहुत, और बाबू थोड़ा बड़ा हुआ है, वो थोड़ा समझता है तो प्यार करता है वो सिस्टर को, लेकिन वो तो नोजता है पूरा। तो साथ में कुछ खाने के लिए दिया, वो लोग खा रहा है। और मोना भी, वो अभी छोटी है ना, फिर भी थोड़ा थोड़ा खाती है वो। तो मैंने गोदी लिया उसको, अच्छी लगी मेरा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाटा, अभी उसको टाटा बोल दे रहा है। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को यही पेंड कर रही हूँ। तो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ।